इलेक्शन 2024 का मार्का, बड़ा दिन बड़ा फैसला। अवामी अदालत लग गई, मुल्क भर में पोलिंग का अमल जारी। अपने अपने उम्मीदवारों को वोट डालने के लिए अवाम निकल आए। पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। 12,85,760 वोटर्स अपना हक के रायदेही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम, 27,628 हसार और 18,437 इंतहाई हसास करार। वोट डालने के लिए असर शनाख्ती कार्ड लाजमी लाएं, जायदुल मियार शनाख्ती कार्ड पर भी वोट की जा सकती। मुल्क भर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आरजी तौर पर बंद। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पिशावर और कोयटा में सर्विस मुअत्तल। वजारते दाखला ने दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर फैसला किया। तर्जुमान का कहना है, दहशतगर्दी के हालिया वाकियात में कीमती जानों का ज़िया हुआ। अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम नागजीर हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद होने से आवाम परेशान। वोट के बारे में मालूम हासिल करने में मुश्किल का सामना। हम कॉन्फिडेंट भी हैं और अल्लाह ताला से की मदद हमारे साथ है इंशाअल्लाह, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और वोटर्स जो हैं वो अपना वोट जो है वो आज़ादी के साथ अपनी मर्जी के कैंडिडेट को डाल सकें। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक बार फिर वादा कर दिया। सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, उम्मीद है इंतखाबी अमल खैरियत से मुकम्मल होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेना वजारत दाखिला और एजेंसी का काम है। इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को इंटरनेट सर्विस के हवाले से हिदायत नहीं देगा। मोबाइल फोन सर्विस खोलने का कहीं और दहशतगर्दी का वाकया हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। पीपल्स पार्टी को इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद होने पर तहफुजात। बिलावल भुट्टो का फौरी सर्विसेज बहाल करने का मुतालिबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पार्टी कयादत को इलेक्शन कमीशन और अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। कौमी फरीसा अदा करने का जज्बा, बुजुर्ग और खसूसी अफराद का जोश व खरोश दी थी। पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। फैसलाबाद में 70 साल मोहम्मद शहरी वोट कास्ट करने पहुंचा। पुलिस एहलकार ने पकड़ कर पोलिंग स्टेशन पहुंचाया। NA-55 रावलपिंडी में माजूर शख्स ने हक के रायदेही इस्तेमाल किया। NA-47 रावलपिंडी में खसूसी शहरी ने भी वोट डाला। सवात के NA-3 में पहला वोट ही बुजुर्ग शहरी ने किया। कराची के हल्का NA-232 में 85 खातून ने व्हील चेयर पर आकर कौमी फरीजा अदा किया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात। मुल्क भर में 17,816 उम्मीदवार मैदान में। कौमी असेंबली की 265 नशस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब असेंबली की 296 पर उम्मीदवारों का इंतखाब होगा। सिंध असेंबली के 30 हलकों में वोटिंग जारी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 113 और बलूचिस्तान असेंबली की 51 नशस्तों पर वोट डाले जा रहे हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशनों के बाहर फौज तैनात। अमन व अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC भी अलर्ट। शहबाज शरीफ ने अपना वोट कास्ट कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने लाहौर के हल्का NA-128 मॉडल टाउन में वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दुआ है ऐसी हुकूमत आए जो मोहब्बत और खैर सगाली के फूल निछावर करे। ये अजीम धरती मोहब्बत और यगानिगत से ही सरसब्ज होगी। इंशाल्लाह इस धरती से खुशहाली के शगुफे फूटेंगे। मुल्क से बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा। मेहनत करें और पाकिस्तान की खदमत करें। मरियम औरंगजेब ने NA-51 मरी में वोट कास्ट किया। साबिक वज़ीर इत्तला'आत कौमी फरीजा अदा करने के लिए बर्फबारी से गुजर कर आए। अवाम बाहर निकले और वोट कास्ट करें, आसिफा भुट्टो की अपील। नतीजे से पहले ही पीपल्स पार्टी की जीत का दावा कर दिया। आसिफा भुट्टो ने नवाबशाह में वोट कास्ट कर दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, एम्पायर की बातें की जाती हैं। बिलावल भुट्टो सबसे ज्यादा अच्छा खेले, अवाम एम्पायर है, फैसला देंगे। एक सवाल के जवाब में बोले, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल होने से इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम पर फर्क पड़ सकता है। मुराद अली शाह ने जामशोरो में वोट कास्ट किया। पाकिस्तानी इलेक्शन पर दुनिया की नजरें। मुबसरीन और मीडिया को पोलिंग स्टेशन के दौरे की इजाजत। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत जारी कर दी। एक्रेडिटेशन कार्ड और इजाजत नामा रखने वाले अफराद को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से ना रोकने की हिदायत। एक्रेडिटेशन कार्ड तर्जुमान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की तरफ से जारी किए गए। उधर जापानी ऑब्जर्वर ग्रुप का NA-48 के पोलिंग स्टेशन का दौरा। वफ्द की इंतखाबात के तरीकेकार पर बातचीत।
प्रिजाइडिंग अफसर और अमले ने इंतखाबी अमल पर ब्रीफिंग दी। कौमी असेंबली का बैलेट पेपर सब्ज और सूबाई असेंबली का सफेद। बैलेट पेपर्स लेने के बाद उम्मीदवारों के निशान पर मोहर लगाएं। एक ही उम्मीदवार के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। एक से ज्यादा उम्मीदवारों पर हरगिज मोहर ना लगाएं। दो इंतखाबी निशानों के दरमियानी हिस्से पर भी स्टैंप ना करें। गलत तरह से मोहर लगाने पर आपका वोट शुमार नहीं किया जाएगा। बैलेट पेपर फोल्ड करने पर मोहर की स्याही को सूखने दें। बैलेट पेपर का कोई हिस्सा फाड़ने से भी वोट मुस्तरद हो जाएगा। वोट पर यकीन, मौलाना फजल रहमान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर दिया। JUI सरबराह ने डेरा इस्माइल खान में वोट कास्ट किया। कमर जमान कारा ने लाला मूसा में वोट कास्ट किया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने इस्लामाबाद में वोट दिया। निसार खोड़ो और खुर्शीद शाह ने भी हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। हाफिज नईम ने नॉर्थ नाजमाबाद कराची में वोट पोल किया। IPP के उम्मीदवार ओन चौधरी का तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से फौरी पोलिंग अमला तब्दील करने का मुतालबा। कहते हैं जूनियर मॉडल हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन के अंदर PTI का कैंप लगवाया गया। पोलिंग अमला लीगी और IPP वोटर्स को ख्वार कर रहा है। फहरिस्तों में नाम ना होने के बहाने किए जा रहे हैं। लोगों को गुमराह किया जा रहा है ताकि वो वोट न डालें। डटकर धांधली और पेट्रोल पंप वालों का मुकाबला करेंगे। MKM का इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस फौरी बहाल करने का मुतालबा। फारूक सत्तार को 2018 से ज्यादा टर्न आउट होने की भी उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने पर सवाल उठेगा। इलेक्शन कमीशन मामले का फौरी हल निकाले। कराची को वडेरों और जागीरदारों से आजाद करने का आज़्म। बोले, हमारे कारकुनों पर हमले हुए, इश्तियाल अंगेजी से जवाब नहीं दिया। हम बुलेट का जवाब बैलेट से देंगे। फारूक सत्तार ने कराची में वोट कास्ट कर दिया। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत करते हैं। वोट का फरीजा हर शहरी को अदा करना चाहिए। आवाम रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट जरूर डाले। निगरान विफाकी वजीर इत्तला की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं उम्मीद है वोटिंग का अमल पुरअमन और मुनज्जम तरीके से मुकम्मल होगा। मुर्तजा सोलंगी ने हल्का NA46 के पोलिंग स्टेशन इस्लामाबाद मॉडल स्कूल डोरा में वोट कास्ट किया। रेंजर्स का सिंध में पुरअमन इंतखाबात कराने का मिशन। सूबे के अहम मकामात पर जवानों ने ड्यूटियां संभाल ली। कराची और अंदरूने सिंध में रेंजर्स के 10,000 अहलकार तैनात। 6,000 जवान कराची और 4,000 अंदरूने सिंध में ड्यूटी दे रहे हैं। और दुनिया की पांचवी बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान में इलेक्शन। गूगल का पाकिस्तान में इंतखाबात के अमल को खिराज तहसीन। गूगल का डूडल बैलेट बॉक्स पाकिस्तानी परचम में रंग गया।